नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24 और उस समय हम दिखा रहे हैं आजमगढ़ मार्टिनगंज दीदारगंज से बड़ी खबर। बता दें कि पत्रकार की हत्या से आक्रोशित पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मार्टिनगंज को सौंप दिया है। बता दें कि आज टीवी चैनल के जौनपुर जिले के सागन कोतवाली क्षेत्र के सबरहत गाँव निवासी संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव और प्रतापगढ़ जनपद के दैनिक हिंदी समाचार पत्र के पत्रकार वसंत सिंह की पिछले कुछ दिनों गोली मार कर निर्मम हत्या की गई, जिसे आहत आक्रोशित मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने मंगलवार को मार्टिनगंज तहसील में एक बैठक कर गहरा शोक व्यक्त किया है और अपनी 6 सूत्री मांगों से संबंधित राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मार्टिनगंज नंदनी शाह को सौंपा। पत्रकारों ने मांग की कि अपराधियों को जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी कर एनएसए के तहत कार्रवाई किया जाए, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए, पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही में आरोपी शाहगंज कोतवाली कोतवाल और कोतवाली पुलिस को तुरंत निलंबित और उनकी तबादला किया जाए तथा शासन द्वारा प्रदेश में समस्त पत्रकारों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर ब्रिजेश पाठक, रमान सिंह, विजय कुमार सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, पूर्णवासी मौर्य, शिव प्रसाद गुप्ता, अनुराग सिंह, भोलेंद्र यादव, ब्रिजभान विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, परमिंद यादव, रवि राजभर, ब्रिजेश सिंह, शिवम सिंह, लालमन यादव, मंगल देव मिश्र, शिवशंकर यादव, विवेक तिवारी, विशाल तिवारी, रविंद्र सरोज, अबू जैद, रिंकू चौहान, पृथ्वीराज सिंह सहित तमाम पत्रकार और साथी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं पृथ्वीराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट केवल जीजीएस न्यूज 24 पर। कल जौनपुर में प्रतापगढ़ में दो घटना हुई है, पत्रकारों पर हमला हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां चली, इसके संबंध में आप एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए, क्या कहेंगे? हमारा इतना अनुरोध है कि जो घटना आपने बताया, आपने सरकार आशुतोष श्रीवास्तव से दोनों घटनाओं में रिवाल्वर और अग्नि अस्त्र का प्रयोग हुआ है और उनका शरीर मार के छलनी कर दिया है। हम लोग इस घटना से पहले तो बहुत दुखी हैं। दूसरा, हम यह कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बराबर ये बयान आता रहा है कि पत्रकारों को प्रशासन जो है पूरी सुविधा प्रदान करे और उनके सुरक्षा के लिए रहे। हम इस घटना से हम लोग बहुत मर्माहत हैं। अभी इसको लेकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन एसडीएम मार्टिनगंज को दिया है, जिसमें लालगंज तहसील के, मार्टिनगंज तहसील के संयुक्त रूप से सभी संगठन के सभी दल और सभी उसके पत्रकार अखबार के मौजूद है। आचार्य संहिता का पालन करते हुए हम लोग ये मांग करते हैं हम मुख्यमंत्री जी से कि आगामी में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उनके खिलाफ जो लोग हैं जांच करा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। यही सर के तो चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, कितने का मुआवजा अगर सरकार देती है तब पत्रकार हित में होगा? 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।